ये हमारे भोले बाबा बैठे हुए हैं। फाइनली गाइस हम पहुंच दोनों का एक लेना अलग लेना। बहुत ज्यादा मेहनत करी भाई लोग ने हमारे, इन लोग के सपोर्ट से हम आज यहां तक पहुंच चुके और भोले बाबा का आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बना रहे जैसे हम यहाँ पहुंचे वैसे ही और कहीं और पहुंच सके। स्वर्ग का दरवाजा और आज सच में हमें पता चले कि स्वर्ग का ही दरवाजा है ये। जय बोले, जय श्री शंभो, जय बोले। और सब भाई कब नंबर आएगा हमारा भी। जय बोले, जय बोले। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम आज बहुत दिनों बाद यहाँ पहुँचे हैं। इतनी मशक्कत और इतनी पैकिंग करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और अब हम बाबा से थोड़ी सी दूर पे हैं और हम थोड़ी देर में दर्शन करने वाले हैं। यार सुबह छह बजे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी लाइन आगे नहीं बढ़ रही है, अब जाके बढ़िए थोड़ी। लगता है 1-2 घंटे लगेंगे अभी बाबा से मुलाकात करने में। और आप गब्बर भाई? हाँ, हम तबीयत खराब हो चुकी है तब भी लाइन में लगे हैं, मगर आगे वाले बहुत दिक्कत कर रहे हैं, देखते हैं। सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हैं। संडी दादा अब आप कुछ बोलिए। काय में बोलना सुनना चाहेंगे? मातृभाषा में? मातृभाषा हिंदी। मातृभाषा हिंदी। यस। तो सब हैवीली बीमार होने के बाद भी, हैवीली उल्टी दस्त होने के बाद भी लड़के लोग संघर्ष करते हुए सुबह 6 बजे से आके लाइन पे लगे, परिश्रम यहाँ तक पहुँचे फाइनली अब जाके। और सबकी तबीयत खराब है, सबका गला पाइप हो चुका है, फिर भी हम लोग झेल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और आगे बाबा से बढ़कर कोई नहीं है, बाबा ने दी हमको हिम्मत तो हम आ चुके, नहीं तो अगर घर पे ऐसे होते तो भी घर पे 4 टांग इधर 4 टांग उधर ओंधे पड़े रहते। एक हाथ में मोबाइल, बाबा का आशीर्वाद है तो टन फोर हो गए एकदम सुबह। और जय बोले, जय शंभो, जय बोले, जय शिव शंभो। तो कोशिश करिएगा कपड़े बहुत कम लाए, एक जोड़ी कपड़े लाए और पानी का बोतल लाइए और कुछ मत लाइए, बस दिस मच ओनली। फाइनली गाइस हम यहाँ तक पहुँच गए बहुत मेहनत के बाद, अब बस बाबा का घर सामने ही है, बाबा से मिलना है, बाबा के दर्शन करना है, बहुत मेहनत के बाद पहुँचे। ओके ओके, जय बोले, जय बोले। ये 250 रुपए का गमछा है भोले बाबा का, एक चुनती है देवी की, ये प्रसाद आएगा इसमें इतना, उसके बाद में धूप बत्ती आएंगी, जनेऊ आएंगी, ये केदारनाथ बद्रीनाथ का सिक्का आएगा इसमें, और उसके बाद में इसमें आएंगी बेलपत्र, और इसमें आएगा पानी, तो जिसमें इससे तुम पानी पहले चढ़ाओ पीछे से भर के लेके आ जाओ। ओके, समझ गए। हम भी पागल है क्या? चल रहे, चल चल, फालतू का काय को मैटर कर रहा है यार। ए, उनको पीछे निकालो, भारत का झंडा है हमारा, पीछे नहीं जाएगा। हमारे साथ नया नया लफड़ा हुआ है अभी, और क्या बताएं, लड़ाई होगी। हम लाइन को एडजस्ट कर रहे थे लेकिन एक अंकल जो है ज्यादा तेज चल रहे थे, आज से चला रहे थे, उन्होंने जवाब दे दिया। 48 के बंदे थे। तो गाइस जैसा कि हम सुबह 6 बजे से लाइन पर लगे हुए हैं जिसके कारण हमारे हाथ पैर भी दर्द हो गए थे और हमको भूख भी लगी थी, और अभी हम लोग लड़ाई कर लिए थे, मतलब एक हल्का सा मैटर सा हो गया था जिसके कारण हमारी वहां पर भी एनर्जी लूज़ हो गई है। तो हम जाकर देखेंगे कि मंदिर परिसर के आसपास जो दुकानें हैं वहां पर किस प्रकार का खाना मिलता है और वहां की क्या प्राइसिंग है, तो चलिए चलते हैं। बहुत महंगा खाना है। अब मैं पूछ के आता हूँ मेरे टीम वाले। डिसाइड करते हैं, उसका खाते हैं, फिर आपको बताते हैं। आइए गाइस, यहाँ से अब गाइस हम जलेबी खाएंगे 100 ग्राम, अब टेस्ट करके बताते हैं कैसी रहेगी। उसके बाद हमारे टीम मेंबर के लिए हम समोसे लेकर जाएंगे, ठीक है, मिलते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लग रही है, बहुत ही सेक्सी टेस्टी। Thank you.
आधे तक दिक्कत है, नीले वाले उसके आगे जाएंगे ना लाइन एकदम सटीक चलेगी। क्लीनर सिटी ऑफ इंडिया 48 भैया को हमने लगाया है, आप बोल दो हमारे कुछ ब्लॉग में। ब्रो बिल्कुल, आप लोग आए हो यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ इंडिया में, वी वेलकम यू, ठीक है। और ये महादेव का दरबार है, आप लोग यहाँ बार बार आओ, ठीक है, हम बार बार मिले, ठीक है। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। और आपका जो यूट्यूब का चैनल है, आप मेरे को नाम बताओ, मैं उसको पक्का फॉलो कर रहा हूँ। एम पी 48 लाइक एंड सब्सक्राइब MP48। तो ये है, यहाँ पर टोकन लेते हैं तभी आपको जान लेंगे, आपको ऐसी टोकन बनाना पड़ेगा, देख सकते हो। वैसे हमारी सुबह 5 बजे की पढ़ हम गए पीछे आके घुस जाते हो, बोलो आगे, चलो ये सब क्या मैम, देखो आप ना लेडीज होने का फायदा उठा रहे हैं। हमारे भोले बाबा बैठे हुए यहाँ पर वर्क में। पत्थर है उस पत्थर ने पूरे मंदिर के लिए पानी रोक दिया था, मंदिर में कोई आंच ही नहीं आई। ये जो उसी की पूजा करते हैं ना यहाँ पर, हाँ मैं गया था अभी, उस पत्थर ने मंदिर का बचाव किया, वो सारे पानी से, ये तो सारा पानी के अंदर था, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है ना ये सारा पानी की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है ये सारी। ये तो पहले ऐसे हरे हरे पहाड़। कितने टाइम पहले हुई थी भैया ये? हुई 2014-16 के बीच में हुई है, मतलब उस टाइम ड्यूरेशन में, देखना तुम यूट्यूब पे तुम्हें दिखेगा। तो ये सारा पानी का तबाही हो गई थी, ये सब खत्म हो गया, दोबारा बना उसके बाद सारा, सारे होटल सब कुछ है। गाइस केदारनाथ लाइव, केदारनाथ ब्रो करने। ऐसा माना जाता है कि अगर आप केदारनाथ धाम दर्शन करने आते हैं और अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा असफल मानी जाती है। तो चलिए गाइस आपको सुंदर नजारों से होते हुए दिखाते हैं। कितने साल हो गए आप भंडारा? 10 साल। 10 साल से पर डे? हाँ, जिस दिन से कबाट खुलता है 20 जून तक। 20 जून तक पर डे। तो जब भी आओ यहाँ पर आप भंडारा जरूर खाए। भाई लोग हम भैरव बाबा के दर्शन करने जा ही रहे थे, रास्ते पे हमें भंडारा दिखा, हमने भंडारा खाया और भंडारा खा के हम वापस निकल पड़े भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए।
तो फाइनली गाइस हमने भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और आप देख सकते हैं इतना सुंदर व्यू है यहाँ का। सारे पहाड़ों ने लगता है बर्फ़ की चादर को ओढ़ रखा है और हम चलते हैं थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे बर्फ में। चलिए आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस हमारे पीर का जगह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल MP48 को सब्सक्राइब करें।